दिग्गज रेटिंग एजेंसी S&P का भारतीय बैंकों और NBFCs पर भरोसा बढ़ गया है। क्या है इसकी वजह? किन बैंकों NBFCs की रेटिंग को किया गया है अपग्रेड? बता रहे हैं हमारे सहयोगी वरुण दुबे। देखिए, S&P ने भारतीय बैंक्स और NBFCs जो है उनकी रेटिंग को बढ़ा दिया है, उनमें बदलाव किया है। सबसे पहले NBFCs की बात करें तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस, हीरो फिनकॉर्प, श्रीराम फाइनेंस जैसी NBFCs है जिनकी रेटिंग को बढ़ाया गया है। बैंक्स में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की रेटिंग जो है उसको बढ़ाया गया है। साथ ही साथ SBI, ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन बैंक्स की जो स्टैंड अलोन क्रेडिट प्रोफाइल्स है इनमें बदलाव किया गया है। अगर आप SBI, ICICI बैंक को देखेंगे तो इनकी जो क्रेडिट प्रोफाइल है BBB- से अब बढ़ाकर BBB पे कर दिया है, और HDFC बैंक का यहाँ पे BBB+ से बढ़ा के A- का कर दिया है। साथ ही साथ इन्होंने भारत की जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उसका कंट्री रिस्क असेसमेंट जो है उसको 6 से कम करके अब 5 कर दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। देखिए, इसके काफ़ी सारे तर्क S&P ने दिए हैं। इसमें सबसे पहला तर्क तो ये है कि भारत में बैंकिंग और NBFC सेक्टर जो है उसमें काफ़ी बेहतरीन रिकवरी देखने मिली है। साथ ही साथ एसेट क्वालिटी में सुधार जो है इसका मुख्य कारण है। इनका कहना है कि जो टोटल लोन्स लेते हैं उनमें जो कमज़ोर लोन्स हैं जिनकी संख्या अभी 5.2% के आसपास है, वो आगे चल के 3 से 3.5% हो सकती है, यानी कि यहाँ करीब करीब 2% के आसपास की कमी आ सकती है। सिर्फ ये नहीं, जो ऑपरेटिंग हालात है उनमें लगातार सुधार होता जा रहा है। इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो लगातार सुधर रही है भारत की, और बैंक्स और खासकर PSU बैंक्स में अगर आप देखेंगे तो कैपिटल की हालत है उसमें लगातार सुधार देखने मिल रहा है। जिस तरह से लोन ग्रोथ हो रही है वो भी इन बैंक्स के लिए और NBFCs के लिए काफ़ी बेहतर रहने वाली है। नो डाउट इनका मानना है कि क्रेडिट कॉस्ट जो है उसमें थोड़ी बहुत बढ़त हो सकती है, और आने वाले समय में नेट क्रेडिट कॉस्ट जो है वो करीब 1.2% के आसपास रह सकता है। मार्जिन जो है उनमें आने वाले समय में इन स्तरों से थोड़ा बहुत दबाव देखने मिल सकता है, लेकिन ये सब कोई बड़ी चिंता की बात है नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी एलिवेटेड लेवल्स पे है। लेकिन जिस तरह से इकोनॉमी के हालात सुधर रहे हैं, बैंक्स की बैलेंस शीट सुधर रही है, उसके चलते अब इन्होंने बैंक्स और NBFC सेक्टर्स में से काफ़ी सारे बैंक्स और NBFCs ऐसे हैं जिनको अपग्रेड कर दिया। और लंबे समय बाद दरअसल अगर आप देखेंगे तो SBI, ICICI बैंक जैसे बैंक्स जो है उनकी रेटिंग्स में इन्होंने बदलाव भी किया है।